आज हम बात करेंगे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स की, ऐसे ऑर्गन्स की जो हार्मोन तो सीक्रेट करते हैं लेकिन उनको एंडोक्राइन सिस्टम में हम इंक्लूड नहीं करते, या फिर मानव के अंतःस्रावी तंत्र में हम उसका स्टडी या उसका अध्ययन नहीं करते, ठीक है। और उसका ना करने का कारण है क्योंकि उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो मानव शरीर या फिर ह्यूमन बॉडी के रेगुलेशन में डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। ऐसे हार्मोन कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखा है नंबर वन लीवर, जो कि आपका क्या एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ठीक। लीवर, लीवर के बाद योर हार्ट, ठीक। ये आपका वाला हार्ट बना देता हूँ जिसको आप बहुत पहले से समझते आए हो, जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद किडनी एंड किडनी के बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर आप इसको सिंपली भाषा में कह सकते हैं छोटी आंत, या फिर सीधे कहो आहार नलिका, ठीक है। पाचन तंत्र का लेक्चर आप देख चुके होंगे तो शायद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे अगर हम लीवर की बात करें, ठीक है, तो लीवर से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ठीक। हार्ट से, हार्ट की स्पेशली आप देखो ऊपर की तरफ जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज जिसको हिंदी में क्या कहते हो, आलिंद, आलिंद। हार्ट का स्ट्रक्चर या हार्ट का जो लेक्चर वो आप देख चुके होंगे, ठीक है। ऊपर की साइड में जो आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज या ऑरिकल्स कह सकते हो, ठीक है। तो आर्टरी या इनकी जो वॉल होती है, आर्टरी वॉल, दीवार, भित्ति, ठीक है। तो आर्टरी वॉल से हम कह सकते हैं आर्टेरियल वॉल, दीवार भित्ति से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। हार्मोन का नाम अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं एंटी नेट्राइटिक फैक्टर, कई बार इसको शॉर्ट में ANF भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों हार्मोन का फंक्शन क्या है समझो जरा, लेकिन एक हार्मोन और समझ लेते हैं ताकि फिर, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में कोऑर्डिनेट हैं। किस तरह से हैं देखो, किडनी के अंदर एक पार्ट हमने बात की थी JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ये क्या था, ये स्पेशली जब हमने नेफ्रॉन पढ़ी थी तो याद करो नेफ्रॉन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, याद आ रहा है कुछ ये, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को क्या क्या कहते हैं, लेबलिंग क्या थी आपको याद होगा शायद। देखो ये वाला पार्ट क्या था, इसको हम कहते थे DCT, और ये क्या था हमारा हैनलेज लूप। और यहाँ पे आपको याद हो तो यहाँ पे ब्लड, या फिर कह सकते हैं जिसको एफरेंट ट्यूब्यूल, जो ब्लड को ले जाती थी, वो यहाँ पे एक नेटवर्क बनाती थी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये DCT और ये ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं मॉडिफाइड हो जाती हैं, स्पेशली ये मेडुला में धंसी रहती हैं। तो इस पार्ट को हम कह देते हैं GGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ठीक है। तो यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है रेनिन, ठीक। एक है आपका हार्मोन ANF, एंटी न्यूट्री नेट्राइटिक फैक्टर, और पहला है एंजियोटेंसिनोजन। अब तीनों हार्मोन कैसे वर्क करते हैं, देखो एंजियोटेंसिनोजन है जो है इसको कहते हैं, या फिर चलो लिख देता हूँ बेसो कंस्ट्रिक्टर, बेसो कंस्ट्रिक्टर। बेसो का मतलब बेसल्स वाहिकाएं, कंस्ट्रिक्टर मतलब सिकोड़ने वाला, ठीक है। तो मतलब आपकी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं, उनके आयतन को कम कर देता है। मतलब अगर पहले उनके अंदर का वॉल्यूम इतना था तो अब इसको कम करके कितना कर देगा, पहले से थोड़ा कम, ठीक है। तो आपको बताओ बीपी इसमें ज़्यादा होगा या बीपी इसमें ज़्यादा होगा, बीपी जिसका आयतन कम है उसमें बीपी ज़्यादा होगा ना, इसमें प्रेशर हाई हो जाएगा, इसमें प्रेशर लो होगा इन द कंपेरिजन ऑफ दिस वन, ठीक है। तो वैसो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होगा, ये बीपी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो करता कैसे है, एक्चुअली जो रेनिन एंजाइम है, जो कहाँ से किडनी के जीजे पार्ट से सीक्रेट हो रहा है, ये एंजियोटेंसिनोजन, एंजियो टेंशनो जन को
कन्वर्ट कर देता है एनजीओ टेंशनो जन सेकंड में, ठीक है। और सेकंड बेसिकली काम करता है किसका, वाहिकाएं जो होती हैं रक्त वाहिकाएं जिसमें रक्त बह रहा है, ठीक है, वेसल्स जिनको कहते हैं वेसल्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन वेसल्स को या ब्लड वेसल्स को, रक्त वाहिकाओं को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है, और उनके आयतन को कम करके क्या होता है फिर ये बीपी, इस कारण क्या हो जाता है, जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तुरंत जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो इस ऑटरी ये क्या करती है, ऑटरी का काम क्या था, आलिंद का काम होता है रक्त को ग्रहण करना या ब्लड को रिसीव करना। तो जैसे ही तेज बहाव वाला ब्लड यहाँ पहुँचेगा ये तुरंत किसको, इस ऑटरी की ऑट्रियल वॉल को इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा एएनएफ सीक्रेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता रहेगा तो बीपी इतना हाई हो जाएगा जिसको आप रेसिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको सस्टेन करने के लिए, बीपी को रेगुलेट करने के लिए तुरंत फिर ऑट्रियल जो वॉल होती है ये सीक्रेट करती हैं एएनएफ एंटी नेफ्राइटिक फैक्टर, एक हार्मोन का नाम, इसका काम क्या होता है, इसको डायलेटर हार्मोन भी कहते हैं, डायलेटर हार्मोन, ठीक। डायलेटर हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ये क्या करता है, जो बीपी होता है हमारा ब्लड प्रेशर, बीपी को कम करने का काम करता है। कैसे, हमने कहा था कि ये जो पहला एंजाइम था ये क्या कर रहा था, वॉल्यूम को ज़्यादा से कम कर दे रहा था, ठीक। तो जो एएनएफ हार्मोन है इसका जस्ट इसका उल्टा होता है, ये क्या करता है कम आयतन को बढ़ा देता है। डायलेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इसके जस्ट रिवर्सिबल, इसका उल्टा कर देता है, ठीक है। तो पहला अगर वॉल्यूम कम था अब क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो तुरंत बीपी क्या हो जाएगा, प्रेशर बीपी घट जाएगा और बीपी आपका रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एंजियोटेंशियोजेन और एएनएफ वाली बात, और रेनिन का रोल इसमें क्या होता है, रेनिन क्या करता है, इस हार्मोन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और जो कि अपने आप में भी एक हार्मोन है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट मेक सो टिपिकल नेम, बायो ने एक्चुअली बायो टफ नहीं है, बायोलॉजी टफ क्यों लगती है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है ना ये नॉन बायो स्ट्रीम के बंदे को डरा देती हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं उसको, कैसे याद होंगे ये नाम, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, एंजियोटेंसिनोजन, बट डोंट वरी, पहली बार में तो हर कोई अजनबी लगता है, उसके बाद तो फिर नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं तो फिर अपनापन हो ही जाता है। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। देखो इंटेस्टाइन से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में और डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन की, आंत, ठीक है, जनरली इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, शॉर्ट में अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GIT, ठीक है। तो GIT का मतलब फुल फॉर्म ऊपर है, यहाँ मैंने आपको समझ लिख लिया, इसको क्या लिख दिया है, इंटेस्टाइन लिख दिया है। पहला हार्मोन गैस्ट्रिन, GAS, दिस इज S, ठीक है। दूसरा हार्मोन गैस्ट्रिन के बाद दूसरा हार्मोन होता है सीक्रेटिन, CERE सीक्रेटिन, ठीक है। तीसरा हार्मोन होता है CCK, उसकी फुल फॉर्म होती है कोलेसाइटोकाइनिन, ठीक, कोलेसाइटोकाइनिन। चौथा हार्मोन होता है GIP, इसको कहते हैं गैस्ट्रो इनहाइबिट्री पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। ये चार हार्मोन हैं जो कि इंटेस्टाइन से या एलिमेंट्री कैनल से सीक्रेट होते हैं। किसका क्या काम होता है समझो, गैस्ट्रिन का काम होता है कि जो स्टमक होता है हमारा, स्टमक बोले तो अमाशय, अमाशय से एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, और दूसरा इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एसिड सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं HCL,
ठीक है। इन दोनों के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करता है स्टमक से, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय से पेप्सिन और एचसीएल के श्रावण को उद्दीपित करता है, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड एचसीएल फ्रॉम द स्टमक। नाउ कम्स टू सीक्रेटिन। सीक्रेटिन का काम क्या होता है, इट एक्ट ऑन पैनक्रियास और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। पैनक्रियास को एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन दोनों कहते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस पैनक्रियाट पर या पैनक्रियाटिक ग्लैंड पर वर्क करता है कौन सा, सीक्रेटिन हार्मोन। इसका काम होता है यहाँ से वाटर और कुछ मिनरल्स या फिर हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करना, बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करना, समझे। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया एनवायरनमेंट। 1.2 पीएच का मतलब समझते हैं आप, इक्वल टू बैटरी एसिड। अब इस एसिड को बेसिक में भी लाना होगा ना, तो अगर उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, इससे नीचे जब अमाशय से नीचे जब भोजन जाता है, यहाँ पे ये अमाशय है और ये है आपका ड्यूडेनम ग्रहणी, जब यहाँ जाएगा तो पैनक्रियास से क्या हो जाएगा, वाटर मिनरल्स बाइकार्बोनेट आएंगे और इसकी पीएच को कितना कर देंगे, 7.8 समझे बंधु, 7.8। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये बेसिक हो जाएगा और यहाँ पे क्या आता है, एसिडिक। इसीलिए क्या होता है, सेक्रेटिन क्या करता है, पैनक्रियास से वाटर मिनरल्स बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को उद्दीपित करता है। सीसीके क्या करता है, सीसीके का काम होता है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम हो रहा है इसलिए एरो पर ध्यान दें कृपया, इधर जाने वाले रूट थोड़े डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और इसका काम होता है, ये बेसिकली आपके लिवर और पेनक्रियाज इन दोनों पर वर्क करता है। सीसी का काम करता है कि लिवर और पेनक्रियाज दोनों को उद्दीपित करता है, किसके लिए, लिवर से बाइल जूस प्रोडक्शन के लिए और पेनक्रियाज से जो भी एंजाइम सीक्रेट होंगे उनके एंजाइम के उत्पादन के लिए दोनों को उद्दीपित करता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलेसाइटोकाइनिन स्टिमुलेट द लिवर एंड पेनक्रियाज टू द फॉर्मेशन और टू द सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, दैट इज बाइल जूस एंड एंजाइम सीक्रेटेड बाई द पेनक्रियाज, ठीक है। कोलेसाइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन मीन्स साइटोकाइनाइसिस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल ही वाली जो सेल्स होती हैं जो बाइल जूस को सेक्रेट करती हैं, या कोलेस्ट्रॉल की डाइजेशन करने वाली जो सेल्स होती हैं जो कि लिवर में होती हैं, जो क्या करती हैं बाइल जूस को सीक्रेट करती हैं, उनकी सेल्स को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। GIP गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, गैस्ट्रो का मतलब आपका गैस्ट्रिन दैट इज स्टमक, और इनहिबिटरी मतलब किसी को रोकने वाला, प्रतिषेध कहते हैं, और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड इन नेचर। तो ये जो हार्मोन होता है पेप्टाइड नेचर का, ये बेसिकली क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन को स्टॉप करता है। ये जो पहला हार्मोन जो हमने पढ़ा था, ये हार्मोन का स्टॉप होना जरूरी है, क्योंकि अगर भोजन है तब तो ठीक है, अब भोजन नहीं है तब भी एचसीएल सीक्रेट करेगा, तब भी पेप्सिन सीक्रेट करेगा, तो क्या हो जाएगा फिर, आपको लंबे समय बाद अल्सर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एचसीएल है ये आपकी स्टमक वॉल को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा और ये अल्सर क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको स्टॉप करने के लिए एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट होता है GIP। तो हम कह सकते हैं GIP स्टॉप द सीक्रेशन, स्टॉप द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन, ठीक है गाइस। तो ये तो वो हार्मोन्स और वो पार्ट्स जो कि ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।